अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम मोहम्मद कामरान अब्बासी है और आज मैं आपको टीच करने आया हूँ दी लीफ, फिजिकल कंपार्टमेंट्स या फिजिकल पार्ट्स ऑफ लीफ। फिजिकल लुक क्या होता है? बेसिकली ये लेक्चर बिलोंग करता है हमारे लास्ट लेक्चर से, जिसमें हमने अल्टा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ा था। तो आज हम लीफ के फिजिकल पार्ट्स देखेंगे, फिजिकल लुक्स देखेंगे कि वो क्या है और किस तरह से हैं, उनके नेम क्या है, वो कहाँ कहाँ उसके पार्ट्स किस एंगल पे होते हैं और क्या होते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद कामरान अब्बासी और ये चैनल है मून अकेडमी का। सो वेलकम टू मून अकेडमी एंड लेट्स स्टार्ट दी लीफ। बेसिकली अगर कोई आपसे पूछता है या किसी तरह से आपको सोचते हैं कि लीफ को डिफाइन कैसे करें, तो आपने क्या कहना है? द ऑर्गन ऑफ प्लांट, द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ द प्लांट। क्या लिखना है आपने? द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है और इसके अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है और ये फूड प्रिपेयर करता है। द फोटोसिंथेसिंग एंड फूड प्रिपेयरिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ये फूड प्रिपेयर करता है प्लांट के लिए। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ फूड ऑफ प्लांट। जी, आप जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या होता है लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से है। जी बोल्ड आउट हो गया ये हमारा। दिस वन इज द स्टेम, स्टेम ये क्या होता है? एक स्टेम होता है। स्टेम क्या होता है कि स्टेम एक प्लांट का ऑर्गन होता है या पार्ट होता है। ये प्लांट है, एक प्लांट है। तो ये इसका स्टेम है, स्टेम है। इसी तरह से ये इसका स्टेम है। लीफ जो स्टेम से जुड़ा होता है वो छोटी छोटी, उसके दरमियान बिल्कुल एंड में छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, जिन्हें आप बिल्कुल बर्ड्स ही कहते हैं। बर्ड्स कहते हैं, ये बर्ड्स होते हैं जो लीफ को स्टेम के साथ जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं, लिंकेज बनाती हैं, वो बर्ड्स कहलाते हैं। उसके बाद लीफ की ये वाली टिप होती है, टिप, जिसे आप लीफ टिप भी कह सकते हैं। लीफ टिप जी। सेकेंड बात जो है ये एरिया, कुछ प्लांट्स का ये एरिया जिगजैग होता है, कुछ प्लांट्स के लीव्स का ये एरिया इस तरह का जिगजैग पैटर्न देता है, थोड़ा सा जिगजैग मैटर मैनर में होता है और अदरवाइज ये स्मूथ होता है। तो इस एरिया को हम या इसको दोनों ही सूरतों में, इसको भी इसको भी दोनों ही सूरतों में हम मैजिन कर मैजिक।
ये जो पार्ट है जो यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आता है और इसे हम कहते हैं पेट्रल के, ये इसको इसके साथ जोड़ता है स्टेम को, लीफ को, ये दोनों की तरह एक हार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट है जो बिल्कुल बैक बोन का काम करती है, जैसे कि बैक बोन बॉडी की स्केलेटन का काम करती है, पूरे बॉडी के स्केलेटन को सपोर्ट देता है, इसी तरह से जो मिड रिब है वो लीफ को सपोर्ट देता है, तो इसको कहते हैं मिड रिब। मिड रिब, दिस वन इज द मिड रिब। उसके बाद जो ये है, दीज आर द वेन्स, वेन, दीज आर द वेन्स। अब जो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आउटलुक ऑफ लीव है, ये आउटलुक स्ट्रक्चर है जो लीव का बिलोंग करता है लीव से, और ये उसके पार्ट्स हैं जो लीव से। तो आपको समझ आ गया कि लीव्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, बेसिकली दिस इज द ऑर्गन फोटोसिंथेटिक एंड फूड प्रिपेयरिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट्स का प्लांट्स की बॉडी का प्लांट बॉडी का एक ऑर्गन होता है जो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करता है। उसके बाद इसके मिड टिप होती है, मैजन होता है, और मिड रिब होता है, वेन्स होती हैं, खुद एक ब्लेड होता है, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लेड, इसको लीफ को ब्लेड भी कह सकते हैं आप, और इसके जो ये स्पेसेस हैं इन्हें ब्लेड कहते हैं, और डॉल्स, बर्ड्स, स्टेम, मिड रिब। ये ऑल आउटलुक होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, शुक्रिया। आपने ज़रूर एक काम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि ये जो है मून एकेडमी है, मून एकेडमी का लेक्चर्स हैं, मून एकेडमी सीरीज़ है, तो आप क्या करें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, मस्ट सब्सक्राइब करें, और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, डिस्कस भी करें। कोई चीज़ अगर रह जाती है जो कि हमेशा ज़रूर कोई ना कोई पॉइंट रह जाता होता है हर टीचर से, तो आप उसको ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा मैं ज़रूर कवर आउट करके आपको बता दिया करूँगा, या उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।